हेलो एवरीवन, ये है न्यू ईयर्स ईव का व्लॉग। न्यू ईयर्स ईव सेलिब्रेट करने हम गए थे साउथ पर्थ। उससे पहले हमें चाहिए थी कुछ कैंपिंग चेयर्स, तो कैंपिंग चेयर्स लेने हम गए बनिंग्स। बनिंग्स ऑस्ट्रेलियन हाउसहोल्ड गार्डन एंड हार्डवेयर वेयर हाउस है। तो बनिंग्स पहुंच के हम सीधा गए कैंपिंग चेयर सेक्शन में, और यहाँ हम सिलेक्ट कर रहे थे हमें कौन सी कैंपिंग चेयर ख़रीदनी चाहिए, कौन सी लॉन्ग लास्टिंग है, ड्यूरेबल है। और यहाँ हमने हमारी चेयर सिलेक्ट की, हमने बिलिंग करवाई, उसके बाद हम सीधा पहुँचे साउथ पर्थ। यहाँ साउथ पर्थ में काफ़ी रश था, काफ़ी लोग आए हुए थे, कुछ लोग बैठ के यहाँ पे पिकनिक कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे। यहाँ पे शाम को फायरवर्क्स भी होने वाला था, तो वो फायरवर्क्स देखने के लिए बहुत लोग यहाँ पे सुबह जल्दी ही आके बैठ गए थे, पार्टी कर रहे थे। उसके बाद हम हमारा स्पॉट ढूंढ रहे थे कि हमें कहाँ बैठना चाहिए, और ये इतना ब्यूटीफुल व्यू था, इतना देखने में इतना सुंदर लग रहा था। यहाँ फायरवर्क्स अलग अलग टाइमिंग पे शेड्यूल हुए थे, यहाँ पे काफ़ी बच्चे भी थे, तो शायद बच्चों के लिए शाम को 8 बजे होने वाला था फायरवर्क्स। तो यहाँ बच्चे बस फायरवर्क्स का ही वेट कर रहे हैं, और जैसे जैसे शाम हो रही थी व्यू और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो रहा था। तो इस व्यू के साथ में हम लोग भी काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। यहाँ पे काफ़ी फूड ट्रक्स भी थे, तो खाने का भी ऑप्शन अवेलेबल था। फिर शाम हुई और शाम होते ही फायरवर्क्स स्टार्ट हो गए। और यहाँ रात को 12 बजे भी फायरवर्क्स होने वाला था, पर हम काफ़ी लेट हो रहे थे, तो हमने 8 बजे वाला फायरवर्क्स देखा और हम घर चले गए। तो कुछ इस तरह हमने 2024 को वेलकम किया।